अबे धूप में क्या कर रहा है? अबे यार गेम खेलने आया था, सर्दी आ गई ना तो धूप में मजा आता है। अबे तो उदास क्यों है इतना? अबे यार ये लैपटॉप से परेशान हूँ भाई, गेमिंग कर रहा हूँ, गेमिंग नहीं हो पा रही है भाई, FPS नहीं आ रहे हैं यार, FPS आ ही नहीं रहे हैं भाई। अरे तो रैम अपग्रेड कर लेना। भाई कितनी रैम अपग्रेड करूँ, 8 GB रैम है, अब क्या 32 करवा लूँ? अच्छा पैसे हैं इतने? हाँ यार पैसे तो नहीं है, आजकल व्यूज भी कम आ रहे हैं। चल एक काम करता हूँ, 16 करवा लेता हूँ, 32 जितना बजट तो है नहीं मेरा। अब साला करवाऊँ कहाँ से, ये और दिक्कत है। बस करवानी क्या, खुद ही कर ले, चल मैं करवाता हूँ। चल चल आ जा। तो यार तुम्हारे माइंड में भी आता होगा ना कि रैम अपग्रेड करने से बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस हो जाएगी और लैपटॉप हमारा पहुंच जाएगा चांद पे। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। तो आज हम वही देखने वाले हैं भाई, और मेरे पास भाई रैम से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और उसमें सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि भाई अगर तुम्हें रैम से रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम वो पूछ सकते हो और मैं वो वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो के अंदर मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी है जो भी तुमने पूछा था, फिर भी एक दो चीजें जो बच गई है वो एंड में कवर कर देंगे। पूरी वीडियो देखना ताकि सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो अभी करो, ऐसी चीजें हम करते रहते हैं वहां पर। कि मतलब अगर तुम गेमिंग करते हो या फिर अगर तुम अपने नॉर्मल टास्क करते हो या फिर अगर तुम प्रोडक्टिविटी करते हो, कैसा भी काम करते हो, तो रैम अपग्रेड करने से क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं लैपटॉप में, कि रैम अपग्रेड करते कैसे, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा ताकि अगर तुम खुद भी अपग्रेड करना चाहो तो कर सको, जो कि तुम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखना, वरना गड़बड़ वड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है कि जो डुअल चैनल रैम होती है ना, उसी से हमें परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है। मतलब लैपटॉप के जो दो स्लॉट होते हैं उन दोनों में सेम कैपेसिटी की रैम, चाहे फिर वो 8 GB की हो, 16 GB की हो या फिर 4 GB की हो, नहीं तो फिर क्या आएगा कि भाई सिर्फ कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हें थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी बट एक्चुअल मजा नहीं आएगा। मजा चाहिए तो डुअल चैनल ऑलवेज, समझ गए? तो देखो यार अब सीन कुछ ऐसा है कि ये अपना लैपटॉप पड़ा है, इसकी रैम को हम अपग्रेड करने वाले हैं। करें फिर तो हमने अपने भैया जी बुलाए हैं चेंज करने के लिए। हाँ जी भाई साहब, करें चालू। तो अब आगे का प्रोसीजर आपको ये बताएंगे भाई। सबसे पहले तो अपने लैपटॉप को कर लो टर्न ऑफ, शट डाउन बिल्कुल, क्योंकि अगर हम शट डाउन नहीं करेंगे तो हमारी विंडो भी क्रैश हो सकती है और उड़ सकती है। सेकंड स्टेप है हमारा ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। डिपेंड करता है, देखो अपने जो भी लैपटॉप है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो अपना स्क्रू ड्राइवर, अकॉर्डिंग टू लगा के देख लेना। एक सेट आता है इस टाइप का, कुछ इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा 200-150 रुपए के आसपास। तो भाई पहले तो इसके नट खोल लो सारे। तो कुछ इतने सारे पेच निकले अपने? हेलो हाँ मन। और तुम्हें कोई एक ऐसा ATM कार्ड या फिर अपना प्लास्टिक का कार्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब लैपटॉप के चारों तरफ ऐसे इसको स्लाइड करके, और फिर भाई अपने कवर को बिल्कुल एकदम आराम से ध्यान से प्यार से इसके सारे लॉक्स को उठाना, क्योंकि एक भी लॉक टूट गया ना तो मतलब वापस जोड़ना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। नीली नीली सुंदरता। तो जिसने कभी लैपटॉप नहीं देखा भाई, अंदर से ऐसा सा गंदा सा लैपटॉप दिखता है हमारा, बट हाँ यार यही है, अपने मेन कॉम्पोनेंट होते हैं सारे। और यहाँ तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि हम यूज कर रहे हैं क्रूशियल की, और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि 3200 MHz वाली है, जबकि इसके अंदर 2933 MHz की रैम सपोर्टेड है। लेकिन हाँ 32 अगर तुम इसमें लगाओगे तो ये अपने आप सपोर्ट कर लेता है लैपटॉप, मतलब ज्यादा लगा सकते हो कम नहीं लगा सकते, लेकिन होनी DDR4 ही चाहिए। तो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, हम क्रूशियल की यूज कर रहे हैं और ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर तुम्हारा लैपटॉप गंदा है तो तुम साफ भी कर सकते हो, ये मतलब अपनी इच्छा अनुसार है भाई। खोल ही दिया तो सलग कति लो साहब। वाह इतना प्यार कोई करता लैपटॉप से बच्चा। तो अब तुम्हें ये देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि रैम कहाँ पर है। तो हर लैपटॉप में मतलब अलग तरीके से आती है, बाकी जो हमारा लैपटॉप है ना इसके अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पर DDR4 ओनली लिखा हुआ है, और मतलब बता भी रखा है कि रैम को तुम्हें कैसे लगाना है, तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझा रखा है। और अपने इस लैपटॉप में दो स्लॉट आते हैं, एक स्लॉट ये रहा और एक स्लॉट यहाँ पर है, और दोनों ही स्लॉट में 4 GB की दो रैम लगी हुई है, यानी कि 8 GB की रैम इसके अंदर लगी लगाई आई है पहले से। और हम क्या कर रहे हैं कि 8-8 GB की दो रैम और लगा रहे हैं, तो बेसिकली हम 16 GB अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारे जो 4-4 GB की है ये एकदम वेस्ट हो जाएगी। तो किसी को खरीदना हो तो बता कैसे लगानी है, मतलब निकालते कैसे और लगाते कैसे वो सीख लो। ये रही अपनी दोनों 8-8 GB वाली रैम जो हमने मंगाई है। तो हटाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें ये दो क्लिप है, एक ये रही और एक ये रही, इन दोनों क्लिप में ऐसे अपने नाखून फंसा के और बाहर की तरफ खींचना है, तो ये इजीली एक झटके में ऊपर आ जाएगी, अब लिफ्ट होगी, अब कुछ नहीं करना है, पकड़ के इसे और बाहर। और यहाँ देखो लिखा भी हुआ DDR4 ओनली, तो सेम प्रोसीजर है दूसरी वाली का भी, उसी तरीके से ये भी हम जो है ये हमने अपलिफ्ट हो गई अपने आप, रैम बाहर। तो भाई अब ये लैपटॉप बिना रैम का हो चुका है, तो मतलब अगर तुम इसे ऑन भी करना चाहोगे ना तो शायद ऑन भी नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, अगर सही से नहीं लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, हो सकता है डिस्कनेक्ट ही रह रहे हैं, तो वो जरूर देख लो ध्यान। लगाने के लिए ये देख रहे हो इधर, ये जो सेंटर है सेम ऐसा ही कट हमारी रैम के अंदर है ये कुछ इस तरीके से, तो ये अगर ऐसे उल्टा करके लगाओगे ना इसमें तो ये देखो ये मिल भी नहीं रहा,
मतलब ये वाला जो कट है ना, इस कट को तुम्हें इस वाले कट के साथ मैच करके ही लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि क्रूशियल ऊपर लिखा तो भाई ऊपर से लगा दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे आपको पता लगेगा जो दूसरी साइड है ना, वहां रैम अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट एकदम उसके। अच्छा तो अभी दिखाता हूँ, ये हमने इसके साथ मैच करा दिया, इसको ऐसे फिट कर दो, हमने कुछ नहीं करना सिंपली। तो अभी तुम देख सकते हो कि रैम उठी हुई है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा अंदर उंगली से प्रेस करना है और इसको नीचे की तरफ दबाना है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के, ओनली बस सिंपल वन क्लिक। अंदर दबाती जहां से हमने इसको उठाया था, ये उसी पिन के अंदर जाके फिट हो जाएगी। अब आ चुके हैं भाई अपनी दूसरी साइड, तो जो दूसरी तरफ हमें लगानी है, तो हमने जैसे पिछले वाले में ऐसे लगाई थी क्रूशियल वाला पार्ट ऊपर, तो इस वाली जगह पे ऐसे नहीं लगेगी ये देखो, क्योंकि ये जो पिन यहाँ पे कटी हुई है बाहर है, ये इस पे मैच ही नहीं हो रही। और हमें क्या करना है, इसको अपोजिट साइड लेके और फिर मैच करा के सेम प्रोसेस है, इंसर्ट करके और हो गया। तो अब तुम देख सकते हो कि एक रैम भाई उल्टी लगी है और एक रैम लगी है सीधी, तो वही है पिन मैच करके ही इंसर्ट करना, तभी तुम्हारी रैम सपोर्ट होगी, नहीं तो टूट भी सकती है ना। बिल्कुल टूट सकती है। तो भाई रैम अपनी लग चुकी है, लैपटॉप एकदम सेट, अब इसको वापस से पैक कर देंगे, तो पैक वैक तुम खुद भी कर ही लेना बाद में। तो लैपटॉप ऑन हो चुका है, मतलब भाई रैम तो हमने सही लगाई थी। तो ये भाई टास्क मैनेजर में तुम देख सकते हो यहाँ पर 16GB लिखा हुआ आ गया, यानी कि दोनों रैम लग चुकी हैं, और कहा था कि 2933 मेगाहर्ट्ज़ दिखाएगा, तो ये वही हुआ, मतलब 3200 लगाइए लेकिन 2933 इसने सपोर्ट कर लिया, एंड दिखा भी रहा है कि स्लॉट यूज 2 of 2, तो मतलब सारी चीज एकदम ओके है। तो रैम अपनी लग चुकी है एकदम मस्त, अब दिखाता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस में तुम्हें कितना फर्क मिलता है देखने को। देखो रैम तो यार अपनी अपग्रेड हो गई, अब एक सवाल आता है दिमाग में बहुत लोगों के कि अगर हम रैम अपग्रेड करते हैं तो क्या उससे वारंटी वॉइड तो नहीं हो जाएगी लैपटॉप की, मतलब अगर तुमने नया लैपटॉप लिया और तुमने बिल्कुल आते ही भिड़ते ही अपग्रेड कर दिया, दिमाग में डाउट आता है ना, कुछ भी अपग्रेड करते हो रैम एसएसडी या कुछ भी, तो वारंटी वॉइड नहीं होती भाई। कंपनी खुद कह रही है अपग्रेड करने के लिए, स्लॉट दे रही है तुम्हें स्पेशली, तो वो वारंटी क्यों वॉइड करेगी, अंटिल और अनलेस तुमने मदरबोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो अपना लैपटॉप अभी चालू हुआ और तुम देख सकते हो यहाँ पर 40% यूज दिखा रहा है 6GB के आसपास। तो अब एक बार ना मल्टीटास्किंग करके देखते हैं और देखते हैं हमारी रैम पे क्या फर्क पड़ता है, डेली लाइफ की जो बहुत सारी चीजें हैं वो चला के देखते हैं। तो अभी गूगल क्रोम के अंदर हमने 20 टैब खोल दिए, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी 3-4 टैब खोल रखे हैं, एक WPS ऑफिस चल रहा है, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल मैनेजर की भी कुछ 3-4 विंडो खोल रखी है, मतलब नॉर्मल काम में 3-4 ही आते हैं, तो मैंने फिर भी बहुत ज्यादा खोल दिया, लेकिन भाई अपनी 16GB रैम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तुम देख सकते हो 67% रैम यूज हो रही है, 30-35% खाली है, और हमारा क्रोम अकेला 2GB से ऊपर, मतलब 2.7GB रैम खा रहा, मतलब अभी भी 5-6GB बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज क्रैश नहीं करेगी। तो डेफिनेटली मल्टीटास्किंग तो बहुत ओपी लेवल की हो जाती है रैम अपग्रेड करने के बाद। अब एक बार ना थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी टेस्ट कर लेते, तो अभी हमने फोटोशॉप चला रखा है और 2-3 चीजें और चला रखी है। तो अभी हमने ये देख लो, ये सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, यहाँ पर हमने फोटोशॉप चला रखा है, यहाँ पर अपने अपना प्रीमियर प्रो भी चला रखा है, इसमें प्रोजेक्ट लगा रखा है मैंने बिल्कुल एडिटिंग वेडिटिंग थोड़ी बहुत चालू करके, और ये अपने फाइल एक्सप्लोरर तो चालू है ही साइड बाय साइड, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी 3-4 टैब खोल रखे हैं, और गूगल क्रोम के अंदर भी मैंने 3-4 टैब अपने, मतलब ऐसे 5 टैब खोल रखे हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें इसके साथ साथ चल रही है, और तुम देख सकते हो एडिटिंग भाई एकदम मस्त हो रही है, बिल्कुल भी कोई लैग नहीं है, स्क्रॉल वरोल मस्त हो रहा है, और अगर तुम कुछ भी एडिट करते हो तो कोई लैग हमें देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली अगर मैं फोटोशॉप भी चलाकर देखूं तो भाई फोटोशॉप भी मस्त एकदम एडिटिंग सब चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। प्रीमियर प्रो भी एकदम मस्त चल रहा है मक्खन। सिमिलरली गूगल क्रोम में भी कोई भी टैब चलाओ मस्त चल रहा है, और रैम यूसेज तुम देख सकते हो अभी भी 67% ही यूज हो रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारा प्रीमियर प्रो खा रहा है, फिर गूगल को देख सकते हो, ये सारी चीजें चल रही है यहाँ पर भाई 10GB के आसपास फिर से रैम अपनी कंज्यूम। तो अगर तुम इस लेवल की प्रोडक्टिविटी और हैवी काम करते हो तो 10GB तक रैम बढ़ जाएगी, बाकी खाली है, और कुछ भी काम फिर तुम अपने और भी चाहो तो कर सकते हो, और डेफिनेटली कोई क्रैशिंग इशू नहीं है, मैंने लंबे समय तक भी इसमें टेस्ट करके देखा था कोई क्रैश नहीं आता। अब एक बार गेमिंग में देख लेते हैं गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है अगर रैम अपग्रेड हो जाती है। तो पहले मैंने GTA 5 टेस्ट किया और उसके अंदर तुम देख सकते हो कि भाई कितना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है अगर हम डुअल चैनल रैम लगा लेंगे, तो आराम से मतलब 30-40 FPS का डिफरेंस तो बहुत सही आ रहा था इसमें, तो मतलब 100+ हो गए भाई 16GB करते ही, तो ये बहुत सही है। और सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ एकदम सेम था दोनों के अंदर, और मैंने सारे गेम सिमिलर सेटिंग्स पर ही टेस्ट करे हैं दोनों बार। फिर मैंने वैलोरेंट टेस्ट किया, ये भी मतलब बिल्कुल सेम सेटिंग्स पर टेस्ट हुआ था, और FPS में डिफरेंस बहुत ही तगड़ा देखने को मिला, मतलब 40-50 FPS तक भी कभी कभी डिफरेंस आ रहा था, जो कि बहुत सही है, मतलब सिर्फ एक रैम अपग्रेड से तुम इतना ज्यादा तगड़ा डिफरेंस देख सकते हो। तो अगर तुम ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि 16GB करा लेना, डुअल चैनल बहुत फर्क पड़ेगा भाई। फिर मैंने दोबारा से एक बार हैवी गेम टेस्ट करने के लिए साइबर पंक टेस्ट कर लिया, और इसके अंदर भी तुम देख सकते हो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, मतलब 5-7 FPS का डिफरेंस था, बट ठीक है ये गेम भी बहुत हैवी है तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हमें इसमें। फिर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन टेस्ट किया, सेम सेटिंग्स पर ही था, बट इसमें मुझे समझ नहीं आया कि क्या ग्लिच हो रहा है, क्योंकि जब मैं 16GB लगा करके टेस्ट कर रहा था उस
उसके बाद मतलब कई बार सर्वर इश्यूज थे या पता नहीं क्या था कि ज्यादा FPS हमें नहीं मिल पा रहे थे, जबकि एक्चुअल में अगर तुम रैम अपग्रेड करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली बढ़िया डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरे लैपटॉप में भी टेस्ट करके देख रखा है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस वाले रिजल्ट पे रिलाय मत करना। तो तुमने देख लिया होगा कि भाई कितना फर्क पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस पे जब भी हम अपनी रैम को अपग्रेड कर लेते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी थी इस वीडियो में, आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, और कुछ रह गया हो तो वो भी बता सकते हो। बाकी मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो देखो यार 2022 चल रहा है, इस वक्त पर मतलब सारे सॉफ्टवेयर इतने भारी भरकम हो चुके हैं जिसमें भी तुम्हें अपना काम करना है, तो 16GB रैम मिनिमम तुम्हारे लैपटॉप में होनी ही चाहिए, चाहे तुम गेमिंग करो या प्रोडक्टिविटी कुछ भी। बट अगर तुम नॉर्मल काम करते हो, ज्यादा कोई हैवी टास्क नहीं करते, तो तुम्हारा काम 8GB रैम में भी बड़े आराम चल जाएगा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सी रैम ले, तो तुम जो मैंने ली थी क्रूशियल की वो भी ले सकते हो, या फिर तुम्हारा मन करे जिस भी कंपनी का तुम वो ले सकते हो। मैंने तो देखो भाई जो मेरे को सस्ती पड़ी ना मैंने वो उठा ली। तो अगर तुम्हें कोई भी रैम खरीदनी हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर तुम खरीद सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मार देना, नए हो चैनल पे तो लाल बटन ग्रे करके सब्सक्राइब मार दो, भाई के साथ जुड़ जाओ ऐसी मस्त मस्त कंटेंट के लिए, और बेल आइकन पे ऑल जरूर कर देना। तो मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय। मैं मुसाफिर चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सेटअप चेंज कर दिया, कौन लेटता है ऐसे पड़ा है।